जिन्हें डे टू डे में ट्रेड करना होता है बुलियन में, उनके लिए कल का कारोबार कैसा रहेगा और कल के कारोबार में सोने में और चांदी में क्या करना चाहिए? गुड इवनिंग मृत्युंजय जी. देखिए अभी भी अगर अंडरलाइंग ट्रेंड सोने और चांदी दोनों में देखे तो पॉजिटिव ही है और बाय एंड डिप्स ही है. एटलीस्ट सोने में तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्राइसेस इनफैक्ट लेटेस्ट है कि करीब ही रहेगा. जो भी नियर टर्म प्राइस करेक्शन रहेगी वो शॉर्ट लिव्ड ही रहेगी. तो कल के लिए भी अगर गोल्ड 46,550 से 46,500 के करीब आता है तो वहां से एटलीस्ट बाई करना चाहिए 46,850 के टारगेट के लिए. पूछिए संजय सर, गवार में क्या लग रहा है सर? अभी हमने ग्वार की बात इन्फेक्ट की है. चलिए एक बार फिर से भाविक से जानते हैं कि उनका क्या मानना है ग्वार को लेकर के. बताइए भाविक, आप क्या मानते हैं ग्वार को लेकर? देखिए मृत्युंजय, ग्वार सीड ने अपनी अच्छी रिकवरी देखी है लोस 3260 से, और उसने जो 3500 का जो रेजिस्टेंस था जो मार्च 11 से वो कवर ऊपर नहीं जा रहा था, एटलीस्ट वो भी हो चुका है. तो अभी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 3650 से 3680 तक का एक जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो जरूर से टच करने जाएगा. अभी भी थोड़ा ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है. मुझे लग रहा है 3800 से 4000 के करीब नेक्स्ट रेजिस्टेंस आएगा. आई थिंक वहां पे रैली एक बार रुक सकती है. तो इंट्राडे 3550 के करीब आता है तो बाय कर सकते हैं 3650 से 3700 के टारगेट के लिए. स्टॉप लॉस इंट्राडे रखिए 3480 का. अच्छा, मेंथा के बारे में आप जानना चाहते हैं. एक बड़ी तेजी यहाँ पर हमने आती हुई देखी है. क्या करना चाहिए भाविक मेंथा में अभी? देखिए आज नियरली अपर सर्किट हाई चुका था मेंथा में, बड़ी तेजी देखने को मिली थी. और मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट रेजिस्टेंस अगर अप्रैल का वायदा देखे तो 1306 से 1317 के करीब आता है. आई थिंक प्राइस अगर देखे तो बहुत जल्दी से शॉर्ट टाइम में आ चुके हैं. तो मुझे लग रहा है कि थोड़ा करेक्शन जरूर से 1300 के करीब आ सकता है. तो वहां से एक बार बाय कर सकते हैं. कोई भी लॉन्ग पोजिशन है वो वहीं से ले सकते हैं. और ये जो लॉन्ग रैली है आई थिंक 1170 के नीचे अगर नहीं जाती तब तक लॉन्ग में रहना चाहिए. 1170 के नीचे जाते तो कोई भी आपकी लॉन्ग पोजीशन है वो निकल जाएगी और शॉर्ट में खड़े रहिए. मेटल का मार्केट खास करके भाविक, मेटल में कुछ है क्या एक्शन आपको दिख रहा है क्या कल के लिए? मृत्युंजय जी, अगर आज के दिन अगर मेटल में देखें तो एक मिक्स्ड कारोबार रहा, क्योंकि एक ब्रॉड रैली ट्यूजडे हमारा बंद था. पर अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में देखें तो एक ब्रॉड रैली के बाद थोड़ा चाइना का जो बेटर देन एक्सपेक्टेड डेटा है उसकी वजह से भी सेंटिमेंट पॉजिटिव हुआ. पर ओवरऑल मुझे लग रहा है कि यहाँ से थोड़ा एटलीस्ट प्रॉपर देखे तो थोड़ा पिकआउट हो चुका है. क्योंकि अगर ग्लोबल डिमांड भी देखे तो 2020 में 5-6% करेक्शन होने की या डिमांड कम होने की संभावना है. और कॉपर टेक्निकली भी अगर हम देखें तो 395-400 का उसका एक रेजिस्टेंस था. आई थिंक 400 आज उसने टच कर दिया है और यहाँ से थोड़ा शॉर्ट देखने को मिल रहा है. मुझे लग रहा है कि 385-384 के करीब आ सकता है. तो एक बार 395 के करीब आता है तो 400 का स्टॉप लॉस से शॉर्ट कर सकते हैं. स्टॉप लॉस स्ट्रिक्ट मेंटेन कीजिएगा और नीचे 387 से 385 के आसपास आता है तो कवर कर सकते हैं. तेजी रहेगी क्या? हेलो, क्रूड में क्या ये तेजी कंटिन्यू रहेगी ये आप जानना चाहते हैं? तेजी अभी तो गिरावट है क्रूड में, आप ये जानना चाहते हैं क्या क्रूड में तेजी आएगी? ठीक है, बताइए भाविक, कहीं से कोई गुंजाइश आपको दिख रही है यहाँ से मार्केट ऊपर जाने की? मृत्युंजय जी, अभी तो थोड़ा कम लग रहा है क्योंकि WTI अगर देखे तो वो भी $20 के नीचे जो पहले भी अच्छा खासा सपोर्ट दिया था. तो अभी मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट 1750 तक आ सकता है. और ओवरऑल अगर फंडामेंटल भी देखे तो डिमांड हैज रियली फॉलन ऑफ द क्लिफ. और जो ग्लोबल ऑयल प्रोड्यूसर्स है जो कट करने वाले वो मई में करेंगे और अप्रैल में तो अभी भी प्रोडक्शन चालू है. अगर ओवरऑल ग्लोबल स्टोरेज कैपेसिटी देखे तो वो भी 70% फिल चुकी है. तो मुझे लग रहा है कि अगर कोई भी उछाल आएगा तो वो शॉर्ट टर्म रैली ही होगी. आई थिंक वो सस्टेनेबल भी नहीं होगी. और नियर टर्म तो मुझे लग रहा है कि ओवरहैंग ही रहेगा, मतलब वीकनेस ही रहेगा. तो आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग ज्यादा उछाल आ सकता है. अप्रैल में अगर 1700-1800 मैक्सिमम मुझे लग रहा है कि उछाल आ सकता है, तो वहां पे आता है तो भी वो शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी.